applause. Okay, thank you for being here, and keep Mubarak to everyone. Thank you for being here. Assalamu alaikum. Thank you. Hans sir, how was today's day? And किस तरीके से दिन की शुरुआत हुई आलोक के फ्रॉम ओएफ? हाँ, आलोक शुरुआत तो आप लोगों से ही होगी, और अभी हम दुआ करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, बट दैट्स ऑल वी डू ओनली, यू नो, जस्ट स्टे विद द फैमिली एंड प्रे। हाँ सर, लास्ट ईयर हमने मिस किया, आप शूटिंग कर रहे थे, और इस बार फिर से मीडिया आपके साथ ईद का त्यौहार मना रही है। इस दिवस को आपके नीचे आपके ये दिवस कितना खास होता है, और अगर कुछ बचपन की यादें अगर आप शेयर करें हमसे? आई थिंक जितने भी हमारे घर में तो सारे के सारे त्यौहार मनाए जाते, सो ऑल ऑफ देम एक्चुअली आई थिंक एज अ मोमेंट कि सब लोग साथ में मिलकर प्रार्थना करें या दुआ करें, या कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो एक स्पेशल खाना होगा, बट बियॉन्ड दैट और कुछ नहीं। एंड आई थिंक ये जितनी भी फेस्टिविटीज़ हैं या फेस्टिवल्स हैं या रिलीजियस डेज हैं, जो भी है, चाहे दिवाली है या ईद है, आई थिंक ये इसलिए हो रहा है कि सब लोग उस दिन को खुशी से मनाएं और साथ में वो खुशी बांटें। सो बस सिंपल सी बात है, एक्चुअली उसके अलावा कुछ है नहीं। सो वी जस्ट स्टे एट होम, और सबको छुट्टी भी मिलती, सो एवरीबॉडी इज टुगेदर एंड स्पेंड्स टाइम टुगेदर। शाहरुख, व्हाट इज सो स्पेशल दिस ईयर? शाहरुख, what was so special about this Eid, and what did you give to your children this year? There's no gifting on Eid in our house. We just, I think, wear new white clothes. नए सफेद कपड़े पहनते हैं, तो आई थिंक जो लड़के हैं उनको परेशानी होती है कुर्ता पजामा पहनने, सब मॉडर्न है, तो ज़बरदस्ती उनको हम कुर्ता पजामा पहनाते हैं, और ऐसा कोई गिफ्ट नहीं है जो हम एक दूसरे को देते हैं। यार बचपन में तो 11 रुपये मिलते थे बस, तो घर वाले या जो हमारी ग्रैंड मदर थी वो कुछ पैसा दे देती थी या उसको बांध के देते थे, एंड बट इतना मुझको भी याद नहीं है, क्योंकि माई आई थिंक मैं बहुत छोटा ही था जब माँ बाप चल बसे, तो फैमिली की थी, सो बस दोस्तों के घर ही गए हैं या लोग हमारे घर में आते हैं, और ईदी में तब उस जमाने में तो ऐसे 11 रुपये या कुछ ऐसे लिफाफे में मिल जाते थे नानी से या किसी से। नहीं, यानी ईद का त्यौहार और जो हमारा प्रोफेशन है वो अलग है, दिवाली का त्यौहार और प्रोफेशन जो है अलग है। आई थिंक उसकी सहायता से यही होती कि छुट्टियों के जब दिन होते हैं तो फिल्मों का बिजनेस बढ़ जाता है, लेकिन हम उसको ऐसा फेस्टिवल के साथ जोड़ें ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, लोग ऐसी बात ज़रूर करते हैं, और वो जब पॉजिटिव होता है तो अच्छा लगता है, बट बियॉन्ड दैट आई थिंक इट्स जस्ट सम टाइम ऑफ ड्यूरिंग फेस्टिविटीज व्हिच हेल्प द बिजनेस। हाय शाहरुख सर, दिस इज रूबी फ्रॉम जन्मदिन हो, दिवाली हो, ईद हो, तो लोग बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और आई थिंक नाम लेते हैं ऊंचा ऊंचा, अंदर आवाज़ आती है जब, और वो जो है सुबह बड़ा एक्साइट हो जाता है और कहता है पापा बच्चा घर कम। तो वो मैं एक्चुअली अभी ऑनेस्ट, मैं रात को काम कर रहा था तो मैं सोया बहुत लेट, मैंने यही सोचा था आप लोग जो है 4:30 बजे मुझे बोलना है यू हैव समथिंग टू ईट बाय 3:30 एंड देयर आर मीट, तो मैं आराम से 2:30 बजे उठूँगा, बट ही केम टू माई रूम एंड पापा बच्चा घर कम, पापा बच्चा घर कम, और वो अपना टोटल जमा पहन के रेडी था बिकॉज वो सो जाता है। सो या दैट्स वेरी नाइस, ही ऑलवेज आई डोंट नो हाउ ही फील्स इट, क्योंकि उम्र में बहुत छोटा है, बट ही रिस्पेक्ट्स द फैक्ट दैट people who love me and admire me come outside the house and he makes it a point, mera haath pakad ke wo mujhko balcony pe lata hai, then I got him out because I think if he respects it so much he should give back the respect even at this age. Shahrukh, towards your right, in that case, you know, Rais also would be clashing with Ritik's Kabil, what would you like to say? I just explained to you, we have spoken to Ritik, Ritesh and Farhan, because unki shuru nahi hui thi film, but we spoke about a month back,
बिकॉज वो शुरुआत है सो मे बी वी कैन डू सम एडजस्टमेंट. सो आई थिंक राकेश जी एंड रितेश एंड फरहान 10 या 11 को फिर से मिल रहे हैं नॉर्मल लाइक दैट सो दे ट्राई फिगर इट आउट वी डोंट हैव टू पास. Secondly, we also read reports that you have seen the teaser of Edelweiss Mushkil and you seem to be a little unhappy with that. Something that you can share with us on this? फिर से बोलना चाहूँगा, जो रिपोर्ट आप खुद लिखते हैं उसमें बिलीव मत किया. अभी भी पता नहीं होता. I want to know sometimes what are you guys taking. Sometimes even I want to take the same thing. You're writing what you're writing. So please, क्योंकि मैं आपसे बड़ा हूँ, ईद का मौका है, कभी कोई पूछा एडवाइस है, मेरी एडवाइस आप सबको यही कि जो आप खुद लिखते हैं और प्रेजेंट करते हैं उसमें बिल्कुल बिलीव मत कीजिए. हैविंग सेड दैट नो आई हैवंट सीन द ट्रेलर ऑफ एडवेंचर मस्ट एंड मेरी कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं है विशेष उसके ऊपर कि आपका ट्रेलर ऐसा होना चाहिए. और मैंने भी पढ़ा ये किसी की फिल्म के बारे में अगर मैं सोचूँ भी ऐसा सो आई डोंट थिंक आई विल डिस्कस इट आउटसाइड. मैंने देखा नहीं है लेकिन जब भी करण बोलेंगे मैं ज़रूर देखूंगा और मुझे ये विश्वास है कि बहुत अच्छा होगा. मैंने गाने सुने हैं उसके 3 गाने सुने हैं एंड उसका टाइटल ट्रैक है इट्स वन ऑफ द नाइसेस्ट बैलेड्स वी हियर दिस ईयर. आई कैन टेल यू मैंने हमने इतने रात को बैठे तो करण ने मुझे उसका आई थिंक टाइटल ट्रैक सुना है. इट्स फैंटास्टिक बट आई हैव नॉट सीन द ट्रेलर ऑफ इट. हाय शाहरुख, ईद मुबारक. मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पूरे देश भर में या दुनिया भर में जो भी त्यौहार मनाया जाता है चाहे वो जो भी त्यौहार हो लोग उसको रिचुअलिस्टिक वे में ज़्यादा मनाते हैं ना कि उसके स्पिरिट को समझते हैं. आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक जहाँ तक मेरी समझ है जितने भी त्यौहार हैं और हमारे देश में बहुत सारे हैं, होली का त्यौहार होता है, दिवाली होती है, ईद है और बहुत सारे त्यौहार हैं, मतलब भाई तीज है, राखी है, कुछ का पर्पस होता है डिफाइन. बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है पुराने ज़माने में ये सब त्यौहार इसलिए मनाए गए थे सबके सब एकत्रित होकर एक जगह आकर इंजॉय करें, एक भाईचारा हो, दोस्ती हो, एक रिलेशनशिप बढ़े. सो आई पर्सनली फील मुझे इतना रिलीजियस ज्ञान नहीं है हर त्यौहार का, लेकिन कहीं ना कहीं पर उसको एक डिसिप्लिन का नाम देकर आई थिंक रीज़न फॉर हर त्यौहार है कि हम एक भेदभाव के बिना साथ में रहकर खुशियाँ मनाएं. सो आई ट्रूली बिलीव दैट. सो आई डोंट नो एंड ऑफकोर्स लोगों के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू रिलीजन दे शुड फॉलो इट एट होम. And they should, because I think discipline is a good thing, whichever religion promotes it, a good discipline. But beyond that, I think, जैसे हम जब दिवाली बनाते हैं तो हम तो खुशी के लिए बनाते हैं, दिए जलाते हैं घर में. ईद भी ऐसे ही होती है, होली थोड़ा सा वो पानी वानी जो है मुश्किल जगह है, लेकिन इट्स नाइस टू बी टुगेदर. सो आई थिंक एवरी फेस्टिवल इज फॉर टुगेदरनेस एंड येस वट एवर द रिचुअल इज आई एम श्योर पीपल फॉलो दैट. बट आई थिंक द मेन पर्पज ऑफ एवरी फेस्टिवल इज टुगेदरनेस. And I think, if I'm not mistaken, India has the most festivals. So we have excuses to be together more often than any other country. Shahrukh, what is fitness mantra? You show your knees, but you don't show your age. What is my fitness mantra? Yeah. मैं कम खाता हूँ. मैं खाने के बीच में खाना नहीं खाता हूँ. मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करता हूँ. मैं अच्छी थॉट्स सोचता हूँ. मैं और क्या दिन में 3 या 4 बार नहाता हूँ जहाँ जहाँ मौका मिलता है, शूटिंग पे कभी कभी इतना नहीं मिलता. और कोशिश करता हूँ कि 5-6 घंटे सो जाऊँ, वो थोड़ा प्रॉब्लम है. लेकिन मैं सोचता भी फिट हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचता. मेरे को लगता है मैं थोड़ा सा भी अनफिट हो गया और इसलिए मैं फिल्म के लिए आ गया. और मेरे 3 जवान बच्चे हैं तो वो बहुत फिट रहते हैं, तो मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि मैं उनकी तरह रहूँ, क्योंकि जो छोटा वाला है उसके साथ ही मुझे फुटबॉल खेलनी है. सो आई ट्राई टू रिमेन फिट एंड ये जेन्युइनली बन रहा है मेरा. मैं कम खाता हूँ और खाने के बीच में नहीं खाता. जैसे अभी मैंने लंच नहीं किया, मैं लंच करूँगा और लंच और डिनर के बीच में मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा एंड हेल्दी खाना खाता हूँ. ओके लास्ट थ्री टू लास्ट थ्री ओके को हाँ मुझे भी जाना है. Yeah, we are all destiny's favorite child. मतलब कितनी बार मैंने सुना है और आई एम श्योर दूसरे एक्ट्रेस ने भी सुना है. इसका टाइम अच्छा चल रहा है, इस पर खुदा मेहरबान है, इस पर आशीर्वाद है. वी आर ऑल डेस्टिनीज फेवरेट. आई थिंक जो भी लोग क्रिएटिव फील्ड में आते हैं और सब मेहनत करते हैं, बट जो मुकाम 2-4-8 लोगों को मिल जाता है और इसमें बहुत सारे और भी हैं, सिर्फ अपना नाम नहीं ले रहा, आई थिंक ये कहीं ना कहीं पर आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी 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 काइंड ऑन अस.
people have been very kind of us. But ye baat hum sabko malum hai. We are all destiny's children. And I hope and pray at this stage of our lives that there are more destiny's children than just 5, 10, 20 in the creative field. There should be many more. It's good to be a destiny's child and enjoy all the benefits, all the happiness, and more than that, the love of the people. Last question and then go. I'm equal with my children. You can't choose one child over the other. When Aryan was the first child, when Sohana is most special because she's a girl, and Abraham is the youngest, so obviously everybody loves him a lot and plays with him. He's got more people to play with. But I can't really decide. I have a dude son, I have this pretty lady, and I have a little gangster. I have them all, and it's really nice to spend time with them. आपके पेरेंट्स भी डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको ज़्यादा प्यार करते हैं या आपके भाई, तो सबको इक्वली करते हैं. सो आई लव देम, आई लाइक इट्स नॉट इवन लव, आई दे आर माय चिल्ड्रन, दे ऑल लव देम. आई होप दे लव मी इक्वली एज मच एज वी लव देम इक्वली एज दे. एंड व्हाट अबाउट यू सर, आप क्या कहना है, वो ड्यूड है आप? मैं इंसान हूं. मांडवी.